आखिर किन हालातों में वो रहने के लिए मजबूर है। तो ओल्ड राजेंद्र नगर आखिर दिखता कैसा है, यहाँ पर स्टूडेंट्स रहते कैसे हैं, यहाँ पर बच्चों को क्या सुविधाएं मिलती हैं, कितने पैसे वसूले जाते हैं, ये वो तमाम सवाल हैं जो तीन बच्चों की मौत के बाद, तान्या सोनी, श्रेया यादव और निविन की मौत के बाद खड़े हो जाते हैं। और उन्हीं सवालों की पड़ताल करने के लिए इंडिया टीवी की जो टीम है वो ओल्ड राजेंद्र नगर के ग्राउंड पर उतरी हुई है। हम आपको पीजीज दिखा रहे हैं, हम आपको फ्लैट्स दिखा रहे हैं, यहाँ पर जो ओनर्स हैं उनकी बात भी हम आपको समझाने या सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप सबके जहन में एक सवाल है और वो सवाल बेसमेंट को लेकर सबसे ज्यादा होता है कि भाई बेसमेंट दिखता कैसे है, और बेसमेंट जब दिखता कैसा है उसमें क्या सुविधाएं ओनर देने की कोशिश करते हैं, बच्चे वहां पर कैसे रहते हैं, क्या क्या चीजें उपलब्ध कराई जाती हैं, वो सब कुछ आज हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये घर है और यहाँ पर पीजी चलता है, जैसा अंकल हमें बता रहे हैं। पीजी चलता है अंकल? नहीं नहीं, पहले चलता था, फिर खाली हो गया, फिर दोबारा चढ़ाया नहीं। तो वैसे नॉर्मल अगर एक फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर की मैं बात करूं तो कितने रुपए पर बेड होता है? 8,000, 7,000, 7,000, 8,000। जब बच्चे यहाँ पढ़ाई करते तो पूरा भर जाता है? हाँ, ऑलमोस्ट खाली हो गया था। अच्छा, खाली ऊपर ऊपर चार कमरे हैं, ऊपर चार कमरे हैं बस, दैट्स। हर फ्लोर पर कितने कमरे? एक रूम, एक बच्चे में एक रूम। एक बच्चे में एक रूम, खुला खुला। हाँ, हॉट पॉट। अब देखिए खुला खुला यहाँ पर रूम देने की कोशिश जो है वो ओनर की तरफ से जरूर की जाती है, लेकिन फिलहाल ये आप अगर आप बेसमेंट देखेंगे तो इस बेसमेंट में भी आपको यही खुला खुला एरिया नजर आएगा। आइए आपको दिखाती हूँ, ये दरवाजा है जो बेसमेंट में जाने के लिए शुरू होता है, यहाँ से आप बेसमेंट में दाखिल होंगे। और जब आप बेसमेंट में दाखिल होंगे तो आपको यहाँ एक छोटा सा आप कह सकते हैं एक लॉबी जो एरिया है वो नजर आएगा। आप अगर सीढ़ियां गिरेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आठ सीढ़ियों को कवर करने के बाद आप बेसमेंट में आ जाएंगे। और जब आप बेसमेंट में आएंगे तो वही सवाल है जो आपके जहन में है, जो स्टूडेंट्स के जहन में है, अभिभावकों के जहन में है कि बच्चे बेसमेंट में पढ़ते हैं या रहते हैं तो उन्हें क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। आइए ये एरिया आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। हम जब यहां पर आए तो ये रूम्स हैं जो फिलहाल बंद हैं, जैसा यहां पर ओनर है उन्होंने हमें बताया कि अब ये रूम्स उठते नहीं है, यानी कि इन रूम्स में बच्चे अब नहीं रह रहे हैं। लेकिन इन रूम्स में, इन रूम्स में लिखा हुआ है डू नॉट डिस्टर्ब, तो आप समझ सकते हैं कि यहां बच्चे कभी रहा करते थे, इन 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 रूम्स में बच्चे रहा करते थे। अब थोड़ा सा आगे आ जाइए, ये देखिए हमारे लिए ये जो रूम है वो खोलने की भी कोशिश करेंगे। और यहाँ पर ये वॉशरूम्स हैं जो बच्चों के लिए बनाए गए हैं, ये वॉशरूम्स हैं जो इस पूरे फ्लोर पर रहने वाले जो बच्चे हैं वो यहाँ पर उनकी सुविधाओं के लिए, यहाँ पर टैंक बना है। और देखिए यहाँ पर ये पूरा एक आरओ लगा रखा है ताकि बच्चे आरओ वाटर यानी कि बिस्लरी जो पानी है वो पी सकें। अब आइए एक कमरा हमारे लिए खोला गया है और इस कमरे को आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि बेसमेंट में जब बच्चे रहते हैं तो कैसे रहते हैं। इस कमरे में आप दाखिल करेंगे और जैसे ही आप कमरे में दाखिल करेंगे आपको ये यहाँ पर बेड नजर आ जाएगा, ये एक छोटा सा बेड है जहाँ स्टूडेंट रहते हैं। ये एसी आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा, बच्चों के लिए यहाँ एसी जरूर लगाया गया है। अब देखिए चूंकि आईएएस की तैयारी बच्चे करते हैं तो आईएएस की तैयारी करने वाले बच्चे जितने भी आपने फिल्मों में देखे होंगे तो आपको ऐसे ही रूम नजर आते होंगे जहां पर आपको भारत का नक्शा नजर आ जाएगा, बच्चों के नोट्स चिपके हुए नजर आ जाएंगे, जो नोट्स हैं उन पर कैसे पढ़ाई करनी है वो सारी तैयारी टाइम टेबल आपको लगे हुए नजर आ जाएंगे, ये सब कुछ आपको नजर आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर आईएएस की तैयारी करते हैं और आईएएस बनने के लिए लोग यहाँ पर रुकते हैं और बच्चे कठिन परिश्रम करते हैं। यही तो बार बार कहा जाता है कि जो आईएएस अधिकारी हैं, जो यूपीएससी की पढ़ाई करना चाहते हैं, जो अफसर अधिकारी बनना चाहते हैं, जैसे श्रेया यादव बनना चाहती थी, तान्या सोनी बनना चाहती थी, निविन बनना चाहते थे, ऐसी ही तैयारी की जाती है। और ये बेसमेंट में रूम है और देखिये यहाँ पर एग्जॉस्ट फैन भी जरूर लगाया गया है बच्चों की सुविधाओं के लिए, यहाँ पर एग्जॉस्ट फोन जो फैन है वो लगाया गया है ताकि यहाँ बच्चे जो रह रहे हैं उनको प्रॉब्लम ना हो। लेकिन ये बेसमेंट का एरिया है और इसी बेसमेंट में रहने की जो कोशिश है वो लोग करते हैं। और देखिए यहाँ पर जो मैप है वो चिपका हुआ है और ये आप देखिए ये अलमीरा दी जाती है, जो बच्चे यहाँ रहते हैं उनको यहाँ पर अलमीरा भी दी जाती है ताकि यहाँ पर बच्चे आए अपना सामान रख पाए। और ये वो रूम है जो एक शख्स को दिया जाता है, एक रूम पर बेड, पर बेड बक्से वाला बेड है, बक्से। तो इस एक रूम का अगर किराया अंकल आपसे जाने तो कितना होता होगा? 7,000। 7,000, 7,000 के किराए में आप एक बेड देते हैं, अलमारी देते हैं, टेबल चेयर, एग्जॉस्ट, एसी, 6,000, 7,000, 6,000, 7,000। खाने पीने का भी इंक्लूड? नो, बिस्लरी वाटर ओनली, फ्रिज।